हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग काम करेंगे सप्तपर्णी ट्री के ऊपर, एल्स्टोनिया सोलारिस, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसको मैंने ग्रो किया था फ्रॉम सीड, अबाउट 1.5 साल हो गया रहेगा इसको ग्रो करते करते, एंड आज हम लोग इसको बोनसाई सोइल में लगाएंगे, बोनसाई पॉट में लगाएंगे। सो स्टे ट्यून टू थ्रिलर बोनसाई। सो गाइस, ये है अपना सप्तपर्णी ट्री, एंड उसको हम लोग ने लास्ट टाइम कट किया था, एंड एज यू कैन सी जो नए शूट्स आ गए हैं वो बहुत सॉफ्ट एंड डेलिकेट है, लेकिन सॉइल जो है उसका वो अभी भी क्ले सॉइल में है। सो वी वांट टू डेफिनेटली चेंज द सॉइल, बोनसाई सॉइल में आज इसको लगाएंगे हम लोग। सो चलिए आज का काम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले ये जो सॉइल है इसको हम लोग को लूज करना पड़ेगा ताकि ये इजीली बाहर निकल सकेगा। इसको मैं थोड़ा लूज कर रहा हूँ पहले। एंड देखते अगर इसको बाहर निकाल सकते हैं। इसको मैंने सीड से ग्रो किया था, ऑलमोस्ट हो गए रहेंगे 1.5 साल, तो एटलीस्ट 1.5 साल। ये सॉइल पूरा बाहर निकल रहा है, इट्स गुड, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी सॉइल निकालने में। एंड दिस इज द रिमेनिंग सॉइल। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर बोनसाई सॉइल यूज़ नहीं करते तो ड्रेनेज अच्छा नहीं होता, तो नीचे से पूरा सॉइल गीला है, ऊपर का सॉइल आप देख सकते हो कि कैसे ड्राई है। सबसे पहले इस रूट्स को थोड़ा हम लोग जो टैंगल हो गए हैं उनको हम लोग निकाल देते हैं। यू कैन सी सम न्यू शूट कमिंग फ्रॉम हियर ऑफ दिस ट्री, आई थिंक दिस इज योर इंग्लिश ओक जो मैंने यहाँ पे लगाया था। जस्ट ऐसे ही एक पॉट में मैंने कुछ सप्तपर्णी के सीड्स लगाए थे एंड इंग्लिश ओक भी एक लगाया था, जस्ट टू सी कि हाउ इट डज इन दिस गार्डन सॉइल। तो इसको भी आई थिंक हो गए रहेंगे 1.5 साल, सो विल सी वॉट कैन वी डू, इफ दिस इंग्लिश ओक इज अलाइव देन वी कैन प्लांट इट समवेयर। एंड सप्तपर्णी तो डेफिनेटली इट विल गो इन टू अ बोनसाई पॉट। ओके, द रूट्स आर लुकिंग गुड एज ऑफ नाउ, हेल्दी लग रहे हैं रूट्स, वाइट न्यू ग्रोथ्स, लुक स्टडी, सो हैप्पी टू सी दैट। सो थोड़ा केयरफुली निकालना होता है, वी डोंट वॉन्ट टू डैमेज द फीडर रूट्स, एंड वी ओनली नीड टू गेट रेड ऑफ द टैप रूट इफ, मतलब अगर रहेगा तो यू हैव टू चेक इफ आई एम एबल टू सी द टैप रूट और नॉट। अगर टैप रूट रहेगा तो डेफिनेटली उसको कट करेंगे आज। ये है वो अपना रूट्स, as you can see looking good, बहुत अच्छे डेंस रूट्स दिख रहे हैं इसके, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा रूट्स देखने को मिलेगा, हैप्पी टू सी दैट। ओके, सो अभी देखते हैं कि कहीं टैप रूट है क्या। सो आई थिंक दिस इज द टैप रूट, स्ट्रॉन्ग टैप रूट, एंड यहाँ तक है वो टैप रूट, एंड इसके बाद में यहाँ पे वो टैप रूट है, एंड टैप रूट के बाद में एक नया रूट आ रहा है यहाँ से। सो आई थिंक वी कैन ट्रिम दिस ऑफ, ये जो टैप रूट है उसको थोड़ा हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। सो उतना ही करेंगे अभी हम लोग सीडलिंग पे ऊपर काम, उतना ही करेंगे, और कुछ रूट्स को ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस टैप रूट को हम लोग थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। पहले मैं सॉइल पूरी तरह से निकाल देता हूँ, डोंट वॉन्ट ड्रेनेज टू गेट ब्लॉक बिकॉज ऑफ दिस सॉइल। तो रिपोर्टिंग के पहले अगर थोड़ा सॉइल आपका ड्राई रहेगा तो इजी हो जाएगा, सॉइल इजीली निकलता है, स्पेशली इफ इट इज गार्डन सॉइल और क्ले सॉइल, सो दैट्स अ गुड थिंग। अगर मॉइस्ट रहेगा तो इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। सो ये है अपने रूट्स, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, एंड हम लोग इसको अभी थोड़ा प्रून करते हैं। सो आई टेक माई प्रूनर्स एंड आई गिव द फर्स्ट कट और द ओनली कट, एक ही कट देंगे हम लोग इसको। सो ये जो टैप रूट है जो कि काफ़ी लंबा दिख रहा है, थिक एंड डेंस अंदर से दिख रहा है, आप देख सकते हो, दिस इज द टैप रूट, उसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करना है। सो यहाँ पे उसको प्रून कर देंगे, नॉट रिमूव इट कम्प्लीटली, उतना ही हम लोग उसको प्रून कर सकते हैं ताकि नए फीडर रूट्स वो अच्छे से डेवलप करेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी एक रूट है वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, बट विल कीप इट एज इट इज एज ऑफ नाउ बिकॉज बाद में जाके वो रूट्स डिवाइड हो रहे हैं फीडर रूट्स में, सो विल कीप इट, एंड ये भी ऐसे ही रखेंगे। सो इसको हम लोग पानी में रखते हैं फॉर सम टाइम, बाद में हम दोनों को वॉश करेंगे, दोनों सीडलिंग्स को वॉश करेंगे। सो ये अपना पानी, एंड इसमें मैं उसको बस इसको डिप कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत क्लीन करूँगा। सो आप देख सकते थोड़े रूट्स जो है, जो वीक रूट्स है
वो ऐसे निकल के आएंगे. सो ये मशी है, सो ये डेड रूट है, दैट इज फाइन, डेड रूट इजीली निकल जाएंगे. कीप इट ऑन साइड्स. एंड ये जो है दूसरा सीडलिंग, चलिए देखते हैं इसका क्या सिचुएशन है. सो ये जो है इसका ग्रोथ उतना हुआ नहीं है, हालांकि दोनों को एक ही टाइम पे लगाया था, बट इसका ग्रोथ जो है दैट इज स्टंटेड, परहैप्स बिकॉज दूसरे ट्री ने सारे न्यूट्रिएंट्स यूज कर लिए होंगे, इसको ज़्यादा मिले नहीं होंगे. तो ऐसा जनरली होता है, कंपटीशन रहता है उनमें भी. इस पर हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज कुछ स्ट्रॉन्ग टैप रूट तो यहाँ पे है नहीं एंड इट्स क्वाइट वीक. सो मुझे नहीं लगता इस पर हम लोग को कुछ प्रूनिंग की ज़रूरत है. सो आई कीप दिस एज इट इज, आई विल नॉट डू एनीथिंग. पानी में डालता हूँ. एंड दिस इज द इंग्लिश ओक जो कि डेड हो गया है. आई नो इट इज़ कम्प्लीटली डेड बिकॉज मैंने इसको स्क्रैच करके देखा था. आप देख सकते हो कि अंदर से पूरी तरह से ड्राई है ये. There's no green sign. It's fully dead. But जो roots है उसमें से मुझे नया shoot निकलते हुए दिख रहा है. So that means it is alive. So we'll retain this. देखते हैं इसका क्या future है, हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं क्या इसके लिए. So we'll keep this. And ये tap root भी काफ़ी strong हो रहा है as you can see. So if you can just prune that bit shorter. इतना रखेंगे, देखते हैं क्या होता है इसका. इसको भी थोड़ा वॉश करते हैं एंड किसी पॉट में इसको लगा सकते हैं. सो अभी हम लोग थोड़े जो रूट्स हैं उनको अच्छे से वॉश करेंगे. ब्रश की ज़रूरत तो है नहीं लगता है, बस काफ़ी क्लीन दिखाई दे रहे हैं अभी रूट्स. सो अभी आप देख सकते हो कि रूट्स कितने अच्छे से अभी वॉश हो गए हैं. एंड ये इंग्लिश ओक जो है आई एम थिंकिंग कि ये कहाँ पे प्लांट करें. आई डोंट वांट टू वेस्ट अनदर पॉट, मेरे पास इतनी जगह नहीं है पॉट्स रखने के लिए. सो आई थिंक आई विल पॉट इन द सेम कंटेनर जिस पॉट में मैं सप्तपर्णी को लगाऊंगा. ये हो गए रूट्स वॉश, अभी चलिए इसको पॉट करते हैं. सो ये मेरे पास पॉट, इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा बोनसाई सॉइल ऐड करूंगा. ये अपना बोनसाई सॉइल ऐड कर दिया, थोड़ा उसको प्रेस करूंगा, अच्छे से टाइट स्टडी बनाऊंगा ताकि एयर पॉकेट्स पहले ही थोड़े हम लोग कम कर सके तो अच्छा है. एंड इसके ऊपर हम लोग अभी प्लांट करेंगे अपने ट्रीज. सो तीनों ट्रीज को मैं लेता हूँ एंड यहाँ पे वी कैन प्लेस देम. नाउ आई हैव टू डिसाइड द फ्रंट ऑफ दिस ट्री. अभी इट डजंट मैटर बिकॉज ये कुछ अभी इसने कुछ ब्रांचेस प्रोड्यूस नहीं किए. सो इट रियली डजेंट मैटर कि कौन सा फ्रंट रखेंगे हम लोग, बट जस्ट वांटिंग टू मेक श्योर कि इसके जो रूट्स है दे आर ऑल प्लेयर्ड आउट नाइसली सो दैट वी गेट अ नाइस रेडियल रूट स्ट्रक्चर. वो एक अपने को चाहिए. ये रूट काफ़ी लंबा दिख रहा है, सो आई कैन थिंक ऑफ प्रूनिंग दिस रूट बिकॉज काफ़ी लंबा हो रहा है. सो लेट्स डू दैट. यहाँ पे बेंड भी हो रहा है सो इसकी वजह से इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं. रिमेनिंग रूट्स दे आर लुकिंग फाइन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनमें. सो कीप देम एज इट इज, कैसी न्यू ग्रोथ्स इन द रूट्स. ये वाइट दिख रहा है यहाँ पे, यू कैन थिंक ऑफ कीपिंग इट लाइक दिस, इट विल लुक रियली नाइस ऐसे अगर हम लोग प्लेस करते हैं उसको. सो एज यू कैन सी बहुत अच्छा दिखेगा, थोड़ा सा कर्वेचर भी उसको मिलेगा. सो इट विल लुक गुड. सो इसको हम लोग ऐसे लगाते हैं एंड थोड़ा सा सॉइल में डालता हूँ ताकि उसको ग्रिप मिलना चालू हो जाएगा अभी से. एंड आई मेक श्योर इट इज इन द सेंटर ऑफ द पॉट, इट इज थोड़ा सा इसको इस साइड में शिफ्ट करता हूँ. एंड ये जो सेकंड है इसको हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, बाद में इफ इट ग्रोज टू वाइल्ड तभी हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग पॉट्स में.
अभी के लिए मैं इसको एक ही पॉट में रखना चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच स्पेस कि मैं अलग अलग पॉट्स में अलग अलग ट्रीज को लगाऊँ. आई डोंट हैव दैट मच स्पेस. एंड ये जो इंग्लिश ओक है, मीन टाइम इसको पहले लगाते हैं, बिकॉज इसका रूट थोड़ा सा डेंस है, तो इसको मैं इधर साइड में रखता हूँ ऐसे ही बस. सो यू कीप इट लाइक दिस एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू दैट. एंड यहाँ पे ताकि अगर ये डेड भी हो जाएगा ना, इवन इफ इट डाइज लेटर ऑन, आई कैन रिमूव इट ईजिली विदाउट डैमेजिंग द रूट्स ऑफ दीज ट्रीज. तो ऐसे ये थॉट से मैं उसको वहाँ पे रख रहा हूँ. एंड ये जो दूसरा ट्री है उसको बस मैं ऐसे रखता हूँ. ये ज़्यादा ही वाइड दिखेगा, ये ठीक लग रहा है. साइड से ब्रांच भी निकल रहा है इसको, सो ऐसे भी रख सकते हैं. बिकॉज इस साइड में रूट्स ज़्यादा आ रहे हैं ना, इस साइड में रूट्स कम आ रहे हैं. सो आई थिंक वी शुड कीप इट लाइक दिस ताकि ये साइड में जितना न्यूट्रिशन है वो पिकअप कर पाएगा. सो आई कीप इट लाइक दिस फॉर नाउ. इसको थोड़ा सा इस साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, बीच में गुड ऐसे रखते हैं. एंड थोड़ा सा सॉइल डालता हूँ अभी. सबसे पहले सॉइल थोड़ा सा रूट्स के अंदर डालते हैं. अभी बस देख सकते ये लूज है, अभी तो इसको थोड़ा टाइट करते हैं. यू कैन सी द सॉइल गोइंग इनसाइड. बहुत केयरफुली करना है, यू डोंट वांट द रूट्स टू. दैट्स इनफ. सो इसको अभी शेड में रखना है एंड फुल वाटरिंग देना है. सो हम लोग करते हैं एंड एक फाइनल व्यू मिलते हैं आपको, दिखा देता हूँ इस ट्री का कैसा है. दिस इज लुकिंग लाइक दिस. स्टिल अ स्मॉल सीडलिंग, इसको बोनसाई प्रॉपर बोनसाई बनने में काफी टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड द प्रोसेस. स्टे ट्यून्ड टू थ्रिलर बोनसाई ऑलवेज. सो गाइस टाइम फॉर टुडेज अपडेट. आज के अपडेट में है ये
फाइकस बेंजामिना जिसको हम लोग ने लास्ट टाइम रिपोर्ट किया था एंड अभी आप देख सकते हो इट इज लुकिंग लाइक इट इज सेटल्ड क्योंकि नए ब्रांचेस आते हुए दिख रहे हैं अपने को, नए बर्ड्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, स्मॉल बर्ड्स स्मॉल शूट्स कमिंग अप. सो दिस ट्री इज प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ न्यू ब्रांचेस न्यू लीव्स फ्रॉम द लोअर ब्रांचेस विच इज अ गुड थिंग, जो अच्छी चीज है. वन बैड थिंग अबाउट इट इज दैट आई लॉस्ट सम ब्रांचेस, कुछ कुछ ब्रांचेस जो थे वो डेड हो गए, जैसे कि एक ब्रांच है, इट वॉज अ लोअर ब्रांच, सो आई विश आई कुड हैव रिटेन दिस बट ये डेड हो गया है. एट द सेम टाइम ऊपर के भी कुछ ब्रांचेस हैं, इफ यू कैन सी हियर, इसके पीछे ये एक जो पूरा ब्रांच है यहाँ पे, ये पूरा डाईबैक हो गया है एंड यू कैन सी दैट जो लीव्स है वो भी पूरी तरह से ब्लैक हो गए. सो वी नीड टू रिमूव दिस ब्रांच, तो वो हम लोग करेंगे. सो गाइस नेक्स्ट इन आवर अपडेट इज दिस फाइकस रेट्यूसा ट्री जिसको हम लोग ने लास्ट टाइम रिपोर्ट किया था, नर्सरी से लाके हम लोग ने इसको बोनसर पॉट में लगाया था एंड आप इसको देख सकते हैं कि इसका जो एक ब्रांच था जो इस तरफ आपको दिख रहा है वो पूरी तरह से डेड हो गया है, इट इज कम्प्लीटली डाइड ऑफ एंड द लीव्स आर कमिंग अपार्ट. तो आप देख सकते हो कि ये क्लियरली जो है ये पूरी तरह से डेड हो गया है. सो ये अपने को ये भी अपने को रिमूव करना होगा एंड बाकी के जो दो है ब्रांचेस दे आर लुकिंग फाइन, दे आर लुकिंग अलाइव. So let's wait and watch. Let's see what happens. So guys, that's it for today. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस. डेफिनेटली और भी अच्छे अच्छे वीडियोस, इससे भी अच्छे वीडियोस में इन फ्यूचर बनाऊंगा और मोटिवेट होऊंगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो. सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड डेफिनेटली स्टार्ट प्लांटिंग, आप भी प्लांट्स लगाना चालू कीजिएगा अपने घर पे या जो कोई भी आपके पास स्पेस होगी उस स्पेस में आप प्लांट्स लगा सकते हो, बोनसाई भी बना सकते हो, नॉर्मल प्लांट्स लगा सकते हो. हेल्प द नेचर. Thanks for watching. Bye-bye.